है क्योंकि 24 तारीख को इस युद्ध की शुरुआत हुई। और बड़ी खबर आपको बता दें, साइबर डिफेंस का हिस्सा बना है यूक्रेन, नाटो के साइबर डिफेंस का हिस्सा बना है यूक्रेन। साइबर हमला हुआ तो नाटो अब उसका साथ देगा, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। साइबर डिफेंस का सदस्य यूक्रेन बना है, नाटो ने यूक्रेन की अपील मान ली है और ऐसे में ये बड़ी राहत की खबर यूक्रेन के लिए। साइबर डिफेंस का हिस्सा यूक्रेन बन चुका है, नाटो के साइबर डिफेंस का हिस्सा बन चुका है। अपील लगातार की जा रही थी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से और ऐसे में उनकी अपील को मानते हुए अब साइबर डिफेंस का हिस्सा यूक्रेन बन चुका है, यानी कि अब नाटो देश जो है वो सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर सकते हैं। साइबर हमला हुआ तो नाटो अब आगे आ सकता है, पश्चिमी देश आगे आ सकते हैं यूक्रेन की सहायता करने के लिए। और लगातार जो रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, वो इसी बात का विरोध कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन नाटो देशों का हिस्सा नहीं बने, लेकिन अब जो साइबर डिफेंस है नाटो देशों का, उसका हिस्सा यूक्रेन बन चुका है। तो ऐसे में किस तरीके से मदद पहुंचाई जाएगी, जो मदद पहुंचाई जाएगी वो वाकई यूक्रेन के लिए काफी होगी, इस पर सभी की नजरें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यूक्रेन से सामने आ रही है जहां पर रूस ने यूक्रेन के दो शहरों में संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी खबर, लोगों को निकालने के लिए सीज फायर का ऐलान यहां पर रूस की तरफ से कर दिया गया है। रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है, लोगों को निकालने के लिए युद्ध को 7 घंटे तक रोक दिया गया है। मारियापुल से 4,40,000 लोगों को निकाला जा रहा है, वहीं वोल्नोखावा से 21,000 लोग निकाले जाएंगे। यानी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने को लेकर जो सहमति हुई थी, दूसरे लेवल की जो बातचीत हुई थी यूक्रेन और रूस के बीच, उस पर अब जमीनी स्तर पर अमल होता हुआ दिख रहा है। यूक्रेन के दो शहरों में 7 घंटे के लिए रूस ने संघर्ष विराम का ऐलान यानी सीज फायर का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। वोल्नोवाखा और मारियापुला, ये दो वो शहर हैं जहां पर रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 10वां दिन है और अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि 10 दिन तक किस तरह से कौन कौन से ऐसे वो इलाके हैं जहां पर रूस का कब्जा हो गया है और साथ में वो कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर अब सीज फायर का ऐलान रूस ने यूक्रेन में कर दिया है। ये देखिए, ये दो वो शहर हैं, ये शहर है वोल्नोवाखा और साथ में मारियापुल। 7 घंटे तक यहां पर यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच अब तक 2 स्तर की बातचीत हो चुकी है। दूसरी बार जब बातचीत हुई थी तो सिर्फ एक बात पर सहमति बनी थी कि लोगों को पलायन के लिए, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए सीज फायर किया जाएगा, संघर्ष विराम किया जाएगा, युद्ध को रोका जाएगा। और अब यह बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है कि यूक्रेन के दो शहरों में 7 घंटे के लिए फिलहाल युद्ध को रोक दिया गया है।